नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलसी के संबंध में। जी हां दोस्तों, अलसी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने में अहम किरदार निभाती है। इसके छोटे से बीजों में सेहत के लिए फ़ायदेमंद हजारों गुण होते हैं। पेट, दिल और रक्त आदि सभी के सुचारू रूप से काम करने में अलसी बेहद मददगार साबित होती है। दोस्तों, तो आइए आज हम जानते हैं अलसी किन किन तकलीफों से आपको बचा सकती है। अलसी वास्तव में गुणों की खान है दोस्तों। यह बात दिगर है कि लोग इसके प्रति अधिक सजग नहीं होते। अलसी का नियमित सेवन हमें कई प्रकार के रोगों से छुटकारा दिला सकता है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ओमेगा 3 हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता, इसे भोजन द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। शाकाहारियों के लिए अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों। मांसाहारियों को तो यह मछली से भी मिल जाता है। अगर आप स्वयं को निरोग और चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं तो रोज कम से कम 1-2 चम्मच अलसी को अपने आहार में शामिल करिए। अलसी के फायदे। अलसी शरीर को ऊर्जा व स्फूर्ति प्रदान करती है। कैंसर रोधी हार्मोन्स की सक्रियता बढ़ाती है। रक्त में शर्करा तथा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है। जोड़ों के दर्द में राहत दिलाती है। पेट साफ रखने का घरेलू व आसान नुस्खा है। हृदय संबंधी रोगों के खतरे को कम करती है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है दोस्तों। त्वचा को स्वस्थ रखता है एवं सूखापन दूर कर एक्जिमा आदि से बचाती है। और जब आपकी त्वचा खूबसूरत रहेगी दोस्तों, स्मूथ रहेगी, तो आप कहीं भी जाएंगे बेहद सुंदर और खूबसूरत दिखेंगे, हैंडसम दिखेंगे। अगर लड़के हैं तो लड़कियां ब्यूटीफुल दिखेंगी। इससे अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपके प्रति बेहद ही अच्छा रहेगा, यानी कि अट्रैक्शन बना रहता है दोस्तों। यह शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसका नियमित सेवन रजोनिवृत्ति संबंधी परेशानियाँ दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, जो औरतों के जो मासिक धर्म के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको दूर करती है अलसी। लीवर को स्वस्थ रखती है। खांसी में अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर उसकी चाय पीने से लाभ होता है। इसका सेवन दिन में 2-3 बार करें। 1 चम्मच अलसी पाउडर को 1/2 गिलास पानी में 12 घंटे तक भिगो कर रखें। दिन में 2 बार इसका सेवन करें। पीने से पहले इसे छान लें दोस्तों। डायबिटीज के मरीजों को 25 ग्राम अलसी खाना चाहिए। उन्हें पीसी अलसी को आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खाना चाहिए। कैंसर रोगियों को 3 चम्मच अलसी का लेप पनीर में मिलाकर उसमें सूखे मेवे मिला देने चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, उनको लाभ होता है दोस्तों। अलसी सेवन के दौरान खूब पानी पीना चाहिए। इसमें अधिक फाइबर होता है जिससे प्यास ज़्यादा लगती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो व्यक्ति को रोज सुबह शाम 1-1 चम्मच अलसी का पाउडर पानी के साथ सब्जी, दाल या सलाद में मिलाकर लेना चाहिए। अलसी का तेल भी गुणों से भरपूर है। अगर त्वचा जल जाए तो अलसी का तेल लगाने से दर्द व जलन से राहत मिलती है। इसमें विटामिन ई होता है। इसका कुष्ठ रोगियों को सेवन करना चाहिए, त्वचा पर लाभ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि अलसी गर्म होती है, इसीलिए गर्मी के मौसम में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर मतांतर है। कुछ लोगों का मानना है कि अलसी का सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है, जबकि कुछ ऐसा नहीं मानते हैं। हालांकि अलसी में कई गुण होते हैं और इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, फिर भी आपको चाहिए कि किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें, वरना कई बार असंतुलित मात्रा आपकी सेहत के लिए कुछ परेशानियां भी पैदा कर सकता है दोस्तों। क्योंकि हमने बताया ही कि अलसी
गर्म प्रकृति की होती है, तो अगर बॉडी में आपकी पहले से ही हिटनेस है और आप खाएंगे तो फिर आपके लिए वो लॉस का सौदा हो जाएगा। इसीलिए एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर के फिर आप उसका यूज करें, आपकी बॉडी की गर्मी को बनाए रखती है अलसी। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।